कि हम किस तरह से सेल्स का इनवॉइस रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन के साथ क्रिएट करते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट बताते हैं और आप चाहते हैं कि वही अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करें और टैली अपने आप आइटम का यूनिट रेट और टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर ले, पर वो कभी भी जो इनवॉइस का वैल्यू है वो आपका रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग आज वर्किंग सीखेंगे। सबसे पहले हम वाउचर्स में जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक कस्टमर सिलेक्ट किया, कस्टमर के मैंने यहाँ पर सेल्स का लेजर सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने मोबाइल लिखा, मैंने यहाँ पर अगर 15,000 का यहाँ पर आइटम रेट डाला और अगर यहाँ पर मैंने CGST एंड SGST के टैक्सेस लगाए, तो देखिए टोटल जो मेरा इनवॉइस का वैल्यू बन रहा है वो है 17,700 का, पर मेरा जो टोटल डील हुआ है कस्टमर से वो 15,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का हुआ है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर F12 करूँगा, F12 के अंदर मैं रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन को यस करूँगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम मेरे पास में आ जाता है। अब मैं यहाँ पर 15,000 रुपये डालूंगा, तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर एंटर करूंगा तो ये टैली ने यूनिट आइटम का रेट जो है वो अपने आप कैलकुलेट कर लिया और टैक्सेस का भी रेट अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो टोटल इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 15,000 का ही आ रहा है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस या डाउट्स रहें तो आप लोग हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा डिटेल में हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारा टैलेंट मार्क एकेडमी के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन कोर्सेज में ऑप्शन में जाकर आप हमारा पूरा कोर्स और करिकुलम देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर गेट कोर्स डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर हमारा पूरा कोर्स करिकुलम भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहीं से आप नीचे एट लास्ट यहाँ पर आप हमारे डेमो सेशंस देखने के बाद आप यहीं से हमारा कोर्स कंटेंट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।